शादी से 5 दिन पहले मूड बदलने से रह गए कुंवारे, वरना शादीशुदा होते सलमान। दबंग स्टार सलमान खान को शादी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब सुपरस्टार सलमान की शादी होगी। उनसे कई बार शादी के लिए कहा जा चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं, वे एक बार शादी करना चाहते थे लेकिन आखिरी समय में मूड बदलने से उन्होंने मना कर दिया। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला द्वारा इस बात का खुलासा तब किया गया जब वेद कपिल शर्मा शो में दिखाई दिए। पूरी हाउसफुल 4 टीम और उसके प्रोड्यूसर साजिद हाल ही में इस शो में दिखाई दिए, जहां उन्होंने सलमान के बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया। दरअसल सलमान और साजिद करीबी दोस्त हैं। हमेशा के लिए कुंवारे रहने की शपथ लेने के बाद साजिद और सलमान ने एक बार 1999 में अपने पार्टनर से शादी करने का फैसला किया था। दरअसल हुआ यूं कि सलमान ने साजिद से कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। वे दोनों सहमत थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब सब डिसाइड हो चुका था तभी सलमान का प्लान बदल गया। साजिद ने बताया कि सलमान को अटैक आया 1999 में कि शादी कर लेते हैं। उनके पास पहले से ही एक लड़की थी, मुझे अपने लिए ढूंढनी पड़ी। शादी डिसाइड हो गई, यहाँ तक कि कार्ड भी भेज दिए गए थे। शादी से 6-5 दिन पहले उन्होंने कहा मेरा मूड नहीं है। अपना मन बदलने के बाद वे मेरी शादी पर स्टेज पर आए और मेरे कानों में फुसफुस आए, पीछे गाड़ी खड़ी है, भाग जाओ। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद शो में मौजूद दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। वर्क फ्रंट पर सलमान दबंग के तीसरे पार्ट में भी चुलबुल पांडे की अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। इस फिल्म से महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा हैं।